पहली वीडियो में हमने आपको यह बताया है कि कैसे हम किसी एवीआई को या क्लिप को घुमा सकते हैं लेआउटर के जरिए, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसकी जो है अंदर की जो है बैनर वो चेंज कर सकते हैं, उसका कलर कैसे बोथ पे लगा सकते हैं, यानी उसकी बाहर की भी वो नज़र आए, अंदर की भी नज़र आए, सिंगल पे भी लगा सकते हैं यानी वन साइड पे वो नज़र आए, और इसके अलावा आउट साइड पे भी लगा सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब एक नया जो हमारे पास है 2D, ये सारा काम हमने 2D पे किया है, ठीक है। अब ये 3D का जो फंक्शन है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 3D के फंक्शन में हमें बहुत ज़्यादा मालूमात मिलती हैं, बहुत ज़्यादा हम काम कर सकते हैं, और इस काम को हम अपने मकसद के लिए बाद में किसी प्रोजेक्ट या किसी और काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ले जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि ये क्या है। ये पहले हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, और अब इसको मैं आपको मज़ीद जो है दिखाने जा रहा हूँ कि हम क्या करना है, हमने कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है और हमारा मकसद क्या है। तो इसको आप गौर से देखिएगा और इसकी नकल और कॉपी कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप बार बार इसको देखेंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शन मैंने इकट्ठे कर दिए हैं, ठीक है। उम्मीद है आप मेरी इस वीडियो को देखें और आप काफ़ी समझ आ जाएगी। तो बात असल बात की तो 3D की तरफ चलते हैं। 3D क्या होती है? 3D बहुत बड़ा फंक्शन है जिसको हम यूज़ करके मुख्तलिफ जो है उसके मकासद हासिल करते हैं। ये ले ऑर्डर की तरफ जाते हैं। ये देखिए सर जी, मैं आपको समझाने की कोशिश तो बहुत करता हूँ। ये ले ऑर्डर का फंक्शन हमारे पास पड़ा है, ठीक है, और इस ले ऑर्डर के फंक्शन को हमने ना इस्तेमाल करना करके दिखाना है। ये देखें, इस ले ऑर्डर के फंक्शन को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। ये देखें जी, इसको ना हम अब क्या करते हैं, इसको ये देखें, इसको हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। अब देखते हैं कि यार ये जो हमने फंक्शन लगाया है ये 3D का, क्या ये काम भी करता है या नहीं करता। क्योंकि इसमें काफ़ी फंक्शन हमने इकट्ठे कर दिए हैं, कोई एक फंक्शन जो होता है ना वो दूसरों से कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है और दूसरा फंक्शन उसको इजाज़त नहीं देता कि आप ये करें। तो ये जो फंक्शन मैंने लगाया है, ये जो इंस्ट्रूमेंट मैंने लेआउटर के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है, इसमें काफ़ी कुछ मैंने डाल दिया है, काफ़ी मर्ज मसाला डाल के आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब 2D को ख़त्म करते हैं मेरे ख्याल में, अब हम 3D में आएंगे। 3D में हमने जो आपको बताना है तो वो क्या मैंने आपको जो बताया है क्या आपकी समझ में आया है या नहीं आया। तो 2D और 3D का डिफरेंस, उनका फ़र्क, कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना, कैसे हमने उसको यूज़ करना है, किस तरह से करना है, जो सारी चीज़ें मैं आपको एक मतलब ट्यूटोरियल के ज़रिए समझाने वाला हूँ। तो उम्मीद है आप इस छोटी सी वीडियो के ज़रिए आपको काफ़ी हद तक पता चल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ।